शिवा इंद्र कवि भक्त मेरा बड़ा है। इंद्राचल के अंदर तीन कोना में दिया जलता है, ये कोना में अंधेरा ही अंधेरा। भरपाल जब ये स्वयं अपने भाई को नहीं पहचाना, अपने भगवान को नहीं पहचाना, धोखा में शक करा करके भगवान और भक्त में जुदा कर दिए, तो भरपाल ये सोचने वाली बात है। जब भगवान को साथ सोना धोखा किया है तो भगवान को क्या करना चाहिए अपने भक्त के साथ। इस बात से ये जो खून के बदला फांसी बदला के बदला बदला इस बदला चुका ले बाबा छोड़ी भरपाल। इसी के कारण ये इंद्रासन चलता है। अरे इंद्रासन के अंदर तीन कोना में दिया जाता है, ये कोना में अंधेरा छाया है। भरपाल जी बाबा उस समय मेरा उठा है कि भाई यहां से भापा चलता हो और वही बदला सोना से क्या करूंगा। चौदह पंद्रह ही लेते इंद्र को दिल में चार सोना राज भापा में उन्हों के साथ शादी करके चैन से सो गया है। दरबार तुम यहां पर खड़े की बजाओ बजा मैं यहां से अपने भक्त को बदला लेने के लिए राज भापा चलता हो। राज भापा को यह इंद्र हट नहीं कर दिया तो मेरा बिना दरबार तुम खड़े कीर्ति इंद्रासन के दर बजाओ भाई यहां से वापस चलता हूं भाई यहां
राजा श्याम देव की माता जी की राम पर सत्य तिलका, सत्य तिलका की कोख से सात बालक और एक पुत्री पैदा हुई, जो सात भैया की नाम के बड़े भैया के नाम पर मेरे मान सही धर्म नाम कर रखी तो है सती सोना अबे दीदी सोना बे बच्चा माँ सफेद के नाम राजा दासर की सास जी के नाम पड़ती है सती दियोला भगवान और के स्वामी नाथ के नाम दुनिया संसार में कैसे लिख सकती हूँ और के देवा जी के नाम वही जन्य रुदन परमात्मा जी कि मेरे ही पेट से एक पुत्र पैदा लिया जो पुत्र के नाम वही नील कुमार है, बहुत ही भोला की खुश से पुत्र पैदा लिया आप लोग शांति से बैठ जाइए, बहुत ही भोला की खुश से पुत्र पैदा लिया जो पुत्र के नाम वही नील कुमार है। परमात्मा जब इंद्र 10 वर्ष हुआ और इंद्र जी 5 वर्ष की प्रेम की चंदा देवर जी एडमिशन कहा करा दी तो हित मजबूत बोली जाते समय बोल गया देखो बेटा इंद्र, देव जब तक राज मोहब्बत से कोई परवाह ना हो तू कॉलेज न जाए तब तक दोनों बालक राज मोहब्बत सकते नहीं, अगर बिना परवाना को राज भोपा आ गया तो धर सरकार प्रगट में चाह दे 12 वर्ष बीत गए दोनों बालक को मजबूत टोले में ना तो कोई खबर आई है ना तो कोई परवाना। ठीक है इस समय मैं मंत्री साहब को बुलाती हूँ, मंत्री साहब है तो है कहाँ, मंत्री जी किससे कहूँ आदमी के कहूँ कि मुरूख के कहूँ, हिंदी में कहूँ कि मैथिली में कहूँ कि भैर रहती ठेठिए में कहूँ, क्या कहूँ सत्ता जीवन दुपरानी सत्ता जीवन 18 जीव कहबै छी अपन साल भ गेलै रौदी माथ पेर के कदरे देखने अपन हर जोत गहूम बाग करबर गहूम खेसारी तमस पर हाथ पेरे तो बुढ़िया थक्खा अपन भैंस बेच ली के पके बुरा सजला
हमारा ने एक बात बताइए, सात माता की प्रजागण कैसे रहते हैं? प्रजागण महारानी भगवान का दादा सा मुरारपट्टी गांव समाज का दादा सा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत चिकन थी महारानी। क्या नहीं ऐसा ही होना चाहिए। हाँ हाँ महारानी मंत्री हाथी हथियार घोड़ा भंडार को खाना खिलाते हैं या नहीं? हाँ ये सब का खिला देंगे महारानी, मर के आता है क्यों नहीं ऐसा ही होना चाहिए। मंत्री हाँ महारानी आपको इसलिए बुलाई हूँ कि आप खड़े चिट्ठी लगाइए और मैं अपने रात में अपने महल में आराम करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है महारानी, आराम करो महारानी। ठीक है मंत्री, मैं अपने महल में आराम करने के लिए जा रही हूँ। हम तो 16 घंटा खड़े दीजिए महारानी, लेकिन ना तो धर्मपाल ना तो मंत्री को देखता हूँ। अरे इस दरबार में कोई है? ऐसे में इंद्र किसे पुकार रहा है? असैया के साथ मरैया ने, असैया के साथ मरैया ने अपार मजा ये उस समय राजभापा के अंदर तुझे